नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर 2022 डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम सब टॉप 70 ब्रांड एम्बेसडर को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सभी ब्रांड एम्बेसडर को, जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है शाहरुख खान। फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉर्ज रसेल, ठीक है। pokerbaji.com, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रवि शास्त्री। BCCI के पूर्व हेड कोच जो थे रवि शास्त्री, ये हैं pokerbaji.com के ब्रांड एम्बेसडर। रियलमी आप सब जानते हैं चाइनीज कंपनी है, मोबाइल बेस्ड कंपनी है, मोबाइल बनाती हैं, है ना। तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? KL राहुल, इंडियन बैट्समैन है, ठीक है, इंडियन क्रिकेट बैट्समैन है KL राहुल, ये हैं रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर। ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। टाइटन रागा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो है आलिया भट्ट, ठीक है। टाइटन रागा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो दीपिका पादुकोण है, ठीक है। ये जो लुई वुइटन ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है दीपिका पादुकोण, ये कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की, ठीक है। चलिए मेडिमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं कैटरीना कैफ। मेडिमिक्स इसके ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो है रॉबिन उथप्पा। फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो है आमिर खान, ठीक है। फार्म इजी जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जॉर्ज जोसेफ, ठीक है, याद रखिएगा। क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों जो है माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर है। वैश्विक फर्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड, ठीक है, ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MC मैरिकॉम। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो है विद्या बालन, ठीक है। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन, ठीक है। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर जो है ऋतिक रोशन है। डिश टीवी और हेरकुलस साइकिल, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो तनिष्का और रिधिका कोटिया। एडिडास इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो टेनिस खिलाड़ी जो मनिका बत्रा है वो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान। बिहार खाद्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी, ठीक है। बिहार खाद्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर हैं मनोज तिवारी, ठीक है। एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क और फिनो पेमेंट बैंक जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। कौन है? पंकज त्रिपाठी। बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिशा पटानी, ठीक है। बाटा इंडिया जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो दिशा पटानी है। हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जो है मेडीबॉडी और MOA इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। मेडीबॉडी और MOA इंडिया, इन दोनों के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन है। मीट कंपनी है गुड डॉट और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हैं राजकुमार राव। वालाइनर के तौर पर इसलिए दिया जा रहा है आपको कि इजली आप याद रख पाएंगे इसे, ठीक है, ध्यान में आ जाएगा इजली। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सैफाली वर्मा। कौन है? सैफाली वर्मा। और ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विजय राज और वरुण शर्मा, ठीक है। ईज माई ट्रिप इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं विजय राज और वरुण शर्मा। भारतीय मोबाइल एसेसरीज निर्माण ब्रांड जो है यूनिक्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जसप्रीत बुमराह, ठीक है। कौन है? जसप्रीत बुमराह। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रविंद्र जडेजा। और उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को।
ठीक है, अभिनेता अक्षय कुमार उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, संजय दत्त को, एक्टर संजय दत्त को, ठीक है। और GUVI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, स्मृति मंधाना। ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो MC मैरी कॉम, ठीक है, कौन है, MC मैरी कॉम। किड्स फुटवियर ब्रांड जो है प्लेटो, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, राहुल द्रविड। बंधन बैंक, ठीक है, असम राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, जुबीन गर्ग को। और फैशन ब्रांड डायर जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एमा राडू कानू। एमा राडू कानू फैशन ब्रांड डायर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो इम्तियाज अली। और क्वाइन स्विच कुबेर और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रणवीर सिंह। उसके बाद आता है क्वाइन DCX, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रानी रामपाल और स्मृति मंधाना, दोनों संयुक्त रूप से इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ के द्वारा जो चलाया गया, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, डेविड बेहकम। कौन, डेविड बेहकम। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, वंदना कटारिया को। और वहीं अगर हम बात करें राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो अवीन लेखारा को, ठीक है, अवनी लेखारा को बनाया गया है। उसके बाद आता है फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यह है मनोज वाजपेयी, ठीक है। फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर जो है मनोज वाजपेयी हैं। और एक जिला एक उत्पाद योजना जो उत्तर प्रदेश का है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो कंगना रनौत को। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है, देखिए मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो है मैग्नस कार्लसन है। कौन, मैग्नस कार्लसन। और ASICS, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ज्योत्सना चिनप्पा। ओले इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तारा सुतारिया, ठीक है। ओले इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तारा सुतारिया को। वॉच कंपनी फोर्सेस और वंडरशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कृति सैनन। कौन है, कृति सैनन। उसके बाद आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो आता है, ठीक है। ऐसे देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर स्टेट का है, लेकिन राजस्थान के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है, अवनी लेखारा को। किसे, अवनी लेखारा को, ठीक है। याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान सरकार ने जिसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो है अवनी लेखारा। असम की समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो है लवलीना ओगोहेन। असम की समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर लवलीना ओगोहेन। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सोनू सूद। और केरल एडवेंचर टूरिज्म यानी पर्यटन विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, PR श्रीजेश को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बैंकिंग धोखा धड़ी जागरूकता अभियान RBI के द्वारा जो चलाया जाता है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नीरज चोपड़ा। होम इंटीरियर ब्रांड है होम लेन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। और यूरो स्पोर्ट्स इंडिया और मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जॉन अब्राहम। कैसीफाई और सिस्का के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, राजकुमार राव, अभिनेता राजकुमार राव कैसीफाई और सिस्का के ब्रांड एम्बेसडर हैं। BBL गाड़ी और पार्ले एग्रो, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रियंका चोपड़ा। अब देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और वेदांतु, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आमिर खान। बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, PV सिंधु और मिशेल ली, इन दोनों को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बिलीव इन स्पोर्ट, ठीक है। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो नितिन गडकरी। माई लैब एवं डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो अक्षय कुमार को। किसे किया गया है, अक्षय कुमार को, ठीक है। WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर कौन है, उपासना कामिनेनी को WWF इंडिया फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है भारत में, जसप्रीत बुमराह। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वाशिंगटन सुंदर और देवदूत
पोडिकल जो है प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैकडोनाल्ड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो है रश्मिका मंदाना। कौन है? रश्मिका मंदाना। वहीं बात करते हैं डिजिट इंश्योरेंस, वीवो, वाइज, फायरबोल्ट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो है विराट कोहली। इलिस्टा एंड नाइन स्टैक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुरेश रैना। स्पोर्ट एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पृथ्वी शॉ। ठीक है, क्रिकेटर पृथ्वी शॉ स्पोर्ट एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं बात करते हैं गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कार्तिक आर्यन और समांता प्रभु। ठीक है, कार्तिक आर्यन और समांता प्रभु जो है वह गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं हम बात करें वाईजू ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। तो इस तरह से जो टॉप आपका 70 ब्रांड एम्बेसडर थे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस वीडियो के अंतर्गत दी गई है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इसका PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसके थ्रू आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।